नमस्कार, मैं हुडीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज़ पर। राजस्थान के जोधपुर शहर में 27 साल पहले भगवान गणपति की मूर्ति के विसर्जन को लेकर उपजा विवाद और इसके बाद हुआ उग्र प्रदर्शन फिर से चर्चा में है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ियों को भीड़ ने पलट दिया था और कलेक्टर परिसर के प्रदर्शनकारियों ने अफसरों को चूड़ियां पहना दी थी। 1993 की इस घटना के बाद जोधपुर की राजनीतिक तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। कलेक्ट्रेट परिसर से ही संत समाज ने सरकार को सबक सिखाने की हजारों लोगों का कसम दिलवाई थी कि ऐसी सरकार को चुनाव में वोट नहीं देंगे। ऐसा हुआ भी और 1993 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में जोधपुर की तीनों सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। जोधपुर शहर की तीनों सीटें पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। जोधपुर सीट से सूर्यकांत व्यास, सरदारपुरा से राजेंद्र गहलोत और सागर से मोहन मेघवाल जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जोधपुर पुलिस ने 27 वर्ष लंबी जांच पड़ताल के बाद बुधवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। ढाई दशक के अधिक लंबे समय तक जांच के बाद भी जोधपुर पुलिस ने अधूरी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में तीन आरोपी को अब भी धारा 41 का नोटिस तामील कराना बाकी बताया गया है। साथ ही कोर्ट को ये आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही तीनों की नोटिस तामील करवा कर आवश्यक अनुसंधान पूरा किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।